एक सरप्राइज है, ये देखो सरप्राइज सरप्राइज। बताओ पिज्जा इधर से बहुत खराब दिख रहे हैं। अरे यार पिज्जा में जो जो स्टफिंग दिया गया, स्टफिंग नहीं, जो पिज्जा में जो जो इंग्रेडिएंट्स दिया गया वहाँ, टॉपिंग टॉपिंग्स टॉपिंग स्टफिंग्स इंग्रेडिएंट्स, सो लेट्स हैव इट। वन ऑफ द बेस्ट पिज्जा आई हैव एवर हैड इन जमशेदपुर। ओ जियो तो गाइस आज हम लोग जाने वाले रॉयल, क्या है, रॉयल मैक्स बेकर्स। हाँ तो वहाँ जाने वाले, आप लोग एक काम करो पहले थोड़ा बहुत शॉर्ट देख लो, उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। कैसा लगा ना शॉर्ट सब देख के जरूर बताना। और अभी हम लोग जस्ट थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, तो आज मेरे साथ है फूडी ओएस। आप इंस्टाग्राम में जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक चेकआउट कर सकते हो। अब जब देख रहे हो कि योर हंग्री ब्रदर से कार में जा रहा, तो समझ सकते हो किसी और के ही साथ होगा, अपना खुद का है नहीं। तो चलो अभी चलते हैं और देखते हैं वहाँ का जो खाना सब कैसा है, वहाँ का मतलब क्या बोलते हो इंटीरियर एटमोसफेयर जो भी सारा कुछ का रिव्यू होगा, और देखते हैं। और आप लोग एंड देखते रहो वीडियो में, बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। ये है इन लोगों का मेनू, अगर आप लोग को सही से देखना तो आप लोग यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लो और देख लो। मैं इसी बेकरी का बात कर रहा था, कहाँ गया है तो हाँ थोड़ा टेढ़ा दिख रहा बिकॉज फ़ोन से शूट कर रहा हूँ ना। यहाँ का जो पिज़्ज़ा है, बर्गर हो गया, जो भी पेस्ट्री वगैरह है, उसका कैसा टेस्ट होता है, तो चलो टेस्ट करते हैं और यहाँ का रिव्यू करते हैं। यहाँ पे इनका 10 से 11 बजे तक शॉप खुला रहता है और एनी टाइम यहाँ पर सारा स्नैक्स अवेलेबल होता है, लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, हॉट डॉग, तो आप कभी भी यहाँ पर आके ट्राई कर सकते हो। पिज़्ज़ा बेस देख रहे हो, ये भी इनका खुद से बनाया हुआ है, देख के लग नहीं रहा है बट मानना पड़ेगा कि बनाया हुआ है, क्योंकि पैकिंग इतना प्रोफेशनल है, फिर भी अच्छा लग रहा है। ये सारे ये सारा चीज़ आप लोग खुद से बनाते हो ना? अच्छा सारा खुद से बना हो, तो ये बहुत ही प्राउड का बात है जमशेदपुरियन के लिए। वेलकम टू आवर चैनल फूड विद योर हंग्री ब्रदर। रॉयल मैक्स बेकरी के तरफ से फर्स्ट ये स्नैक्स ट्राई करने को मिला है, तो चलो इसको ट्राई करके देखा जाए कि इसका टेस्ट कैसा है। बहुत ही ज़्यादा क्रंची है, लाइक मतलब ऐसा लग रहा है एकदम फ्रेश फ्रेश बेक्ड करके बनाया गया है। और इसमें देखो बहुत सारे आपको ड्राई फ्रूट्स देखने को मिलेंगे, जिसके वजह से जो टेस्ट है ना बहुत ही जेन्युइन आ रहा है। लाइक अगर इसके साथ गरम गरम चाय मिल जाए ना, एक नंबर लगेगा। अगर लुक पे थोड़ा सा चेंज और ड्रेस में थोड़ा सा चेंज लगे तो प्लीज़ कुछ मत बोलना, क्योंकि बिकॉज ड्यू टू सम रीज़न जो पहला दिन का शूट था वो कैंसिल हो गया। तो या लेट्स गो, अब यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आगे का जो फूड ब्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं। आज का बस ये डिफरेंस है कि जो ये वाला जो पार्ट था वो अंदर लगा हुआ था और आज जो है ये बाहर लगा हुआ है, तो कोई बात नहीं, टेस्ट तो फिलहाल सेम ही होगा। अगर आप लोग को यहाँ पर आने में कोई भी इश्यू हो तो आप लोग पीछे देख लो, साक्षी में ब्लू डायमंड है, उसके अपोजिट साइड में ही रॉयल मैक्स बेकर्स है, तो आप लोग आ सकते हो। अपना चिकन कंट्री पिज़्ज़ा है वो इन प्रोसेस में चला गया, आपको कैसा लगा शॉर्ट देख के ज़रूर बताना। और हाँ एक सरप्राइज़ है, ये देखो सरप्राइज सरप्राइज़ भाग रहा है उधर, तो वो सरप्राइज़ तो हो ही नहीं सकता, तो कोई नहीं इनसे बात कर लेते हैं। ये नहीं शर्माती उनके साथ, तो आप बताओ पिज़्ज़ा इधर से बहुत खराब दिख रहा है। अरे यार हाँ तो इधर हाँ तो आप बताओ कि पिज़्ज़ा खाने का जब जो वेटिंग होता है ना वो कैसा लग रहा है? तो बहुत भूख लग रहा है, पेट में चूहा भी कूद रहा है, तो खराब ही लग रहा होगा। तो कोई नहीं, हम लोग ये मैं और शर्माने वाला बंदा, हम लोग तीन जन यहाँ पर वेट कर रहे हैं, तो जल्दी से आए और टेस्ट कर और आप लोगों को रिव्यू करके बताएं।
तो या गाइस हम लोग का पिज़्ज़ा तो आ गया, तो चलो इसका स्लाइस खा के देखा जाए इसका टेस्ट कैसा है। तो पिज़्ज़ा में जो जो स्टफिंग दिया गया, स्टफिंग नहीं, जो पिज़्ज़ा में जो जो इंग्रेडिएंट्स दिया गया हुआ, टॉपिंग्स इंग्रेडिएंट्स, तो जो भी दिया गया है तो आप लोगों ने देख ही लिया, एक्सप्लेन करने का कोई ज़रूरत है नहीं बिकॉज मेरे को खुद इतना नॉलेज है नहीं पिज़्ज़ा के बारे। तो चलो या टेस्ट करके देखा जाए। ऐसा मत देख, ऐसा देख रहा मेरे को। ऑनेस्टली बताऊँ तो पिज़्ज़ा मेरे को मतलब बहुत बहुत ही अच्छा लगा टेस्ट आया। लाइक अगर मैं पिज़्ज़ा हट और डोमिनोज ये दो लेजेंड को हटा के अगर मैं बेकरी तक बात रखूँ तो रॉयल मैक्स बेकर्स बहुत ही गजब, जो इसका पिज़्ज़ा बनाने का जो स्टाइल हो गया, टेस्ट हो गया, जो भी है बहुत ही ज़्यादा गजब है। तो आप लोग एक बार ज़रूर आना या फिर विजिट करना, और हाँ इंस्टाग्राम पर टैग करके ज़रूर बता। गाइस बहुत ही यम्मी है, आपको यहाँ एक बार तो जरूर आना है। वन ऑफ द बेस्ट पिज़्ज़ा आई एवर हैड इन जमशेदपुर। तो गाइस अपना जो चिकन कंट्री पिज़्ज़ा था वो तो खत्म हो गया, अब चलते हैं पनीर पिज़्ज़ा जरा वो चीज़ बस्ट था वो खाने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो या चलो उसका शॉर्ट देख लो, उसके बाद उसके रिव्यू के बारे में बात करता हूँ। जियो क्या विवेक तेरे को झाल पसंद है कि नहीं? मुंह में डालता है, मुंह में डालता है, उसको बहुत पसंद है। तो गाइस अपना पनीर वाला पिज्जा तो आ गया है, तो सबसे पहले ये मैडम ट्राई कर रही है, तो उसके बाद अपना नंबर आएगा, तो छोटा मोटा व्लॉगर का नंबर सेकंड में आता है, तो फर्स्ट वो ट्राई कर रहे हैं, उसके बाद योर हंग्री ब्रदर बताएंगे टेस्ट करेंगे इसका जो पनीर चीज बस जो पिज्जा है वो कैसा है। कैसा लगा? बिजी पर्सन शाय गाय स्टार्ट हो गया। अरे टेस्ट करके बताओ, रिव्यू करो, उसके बाद योर हंग्री ब्रदर रिव्यू करेगा। सबसे पहले हमारे शाय गाय खाने वाले हैं। तो गाइस ये लोग तो कुछ बोलेंगे नहीं, मेरे को समझ में आ गया, मेरे को स्टार्ट करना पड़ेगा व्लॉग, आखिरकार आई एम दी ओनर ऑफ दिस चैनल। चलो स्टार्ट करा जाए, मेरे को इनिशिएटिव लेना पड़ रहा। आप जो पनीर क्या है, पनीर क्या पिज्ज़ा? तंदूरी पनीर पिज्ज़ा। तंदूरी पनीर पिज्ज़ा का जो टेस्ट है वो आपको बताता हूँ। पहले वाला पिज्ज़ा में वो मेरे को देख रहा था अजीब से, इस वाले पिज्ज़ा में ये देख रही मेरे को अजीब से। अरे रुको, मजाक नहीं कर रहा, मतलब बहुत बहुत गजब पिज्जा है, मतलब ये झूठ बोल रहा है। ऐसा झूठ बोल रहा है? पहले वाले पिज्जा से लाख गुना बेस्ट है। ये ज्यादा टेस्टी है। अपना रिव्यू ऑलवेज जेन्युइन। रीजन बता क्यों ये बेटर है? वो बेटर नहीं है क्योंकि ये चीज बस में चीज पूरा भरा हुआ है, इसलिए एक पॉइंट। तो और तो मेरे को और कुछ डिफरेंस लगा नहीं। देखो क्या होता है जब चिकन के साथ कुछ चीज़ कुक हो रहा है ना, चिकन का मसाले का फ्लेवर पूरा पिज़्ज़ा में फैल जाता है, लेकिन वो वेजीज के साथ नहीं होता है, तो हर एक वेजी का डिफरेंट फ्लेवर आता है। और एक बार टेस्ट करोगे तो फिर बार बार आओगे। वो देखो मुंह चुबा के खा रहा है। आ भाई हम तीनों ही चाहते हैं कि ये इनका रिव्यू करे, इनका नहीं ये इसका रिव्यू करे। तो चलो आप बताओ रिव्यू करके कि ये हॉट डॉग कैसा है। हेलो गाइस, नहीं अरे बहुत चीज़ी है यार, बहुत चीज़ी है, खा रही तो जोर से नहीं बोल पा रही है, बहुत चीज़ी है। ठीक है, एक चीज़ी से लाइन बोल के बोल रही है कि चीज़ी है। हाँ ये चीज़ी है और बहुत टेस्टी भी। कौन सा पिज़्ज़ा अच्छा लगा मेरे को? तंदूरी पनीर पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी लगा। हाँ हाँ ये अग्रीड।
हाँ, और चिकन कंट्री पिज़्ज़ा भी अच्छा था, वो भी बहुत अच्छा था, और ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन तंदूरी पनीर पिज़्ज़ा मेरा फेवरेट। और यहाँ आप लोग को एक बार ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत टेस्टी खाना है। सच में गाइस, एक बार यहाँ पर विजिट करो और बताओ कैसा लगा। तो गाइज़, ये जो व्लॉग बहुत ही ज़्यादा फन व्लॉग बन गया, एंड सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। सबसे मज़ा तो इन दोनों के साथ मेरे को सच में एक नंबर मज़ा आया, खाने से ज़्यादा आज इन लोग दोनों के साथ का जो व्लॉग था ना, वो ज़्यादा मस्त था। भैया, आपके यहाँ का जो पिज़्ज़ा था, हॉट डॉग था, मतलब काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन टेस्ट था। हाँ, कुछ बोलना चाहेंगे तो आप बोल सकते हो। हाँ सब, मैं चाहता हूँ कि सब लोग आए और ट्राई करें हमारा पिज़्ज़ा, बहुत अमेजिंग। हम लोग चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा भी बनाने लग गए यहाँ पे, तो आना गाइस, चीज़ बर्स्ट जरूर ट्राई करना और मेरे को कमेंट करके बताना। और कुछ बोलना? सारे जमशेदपुरियंस यहाँ एक बार तो ज़रूर आना और यहाँ का फूड टेस्ट करो, बॉडी। भाई मैं तो बोलूँगा यहाँ का पिज़्ज़ा आपको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए, इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू विल एवर हैव इन योर लाइफ। अगर मेरे को रॉयल मैक्स बेकर डिफाइन करना होगा तो मैं पिज्ज़ा नाम से डिफाइन करूँगा, इतना ज़्यादा लगा। तो गाइज, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ अपना सबसे फेवरेट पार्ट आपको क्या अच्छा लगा। जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जानी चाहिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।